में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हितग्राही मन के से मेल मिलाप पर उनका सम्मान के खातिर उनसे मिले पर उनका से जाने पर उनका विचार ल समझे पर साथ ही साथ शासन के जो योजना रही है नई बेटी योजना वो नई बेटी योजना के जो बेटी आए है उनका वितरण पर और कुछ राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना जोन कमाऊ सदस्य के मृत्यु के बाद कोई घर परिवार ला जो मिलते 10,000 रुपया पर हेड ओकर वितरण पर और कुछ ट्राइसिकल वितरण के हिसाब से ये कार्यक्रम ला रखे गए हैं। कार्यक्रम में विशेष तौर से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हितग्राही मन के आशीर्वाद प्राप्त करे के प्रयास जनपद पंचायत परिवार दर्शियों द्वारा करे जाते जनपद पंचायत दरसिंवा के जौन पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्रीमती लोकेश्वरी वर्मा जी उपाध्यक्ष श्री महेश शर्मा जी और जतिक भी हमार जनपद पंचायत के सदस्य हैं उपस्थित सदस्य भाई प्रदीप वर्मा जी देवानंद जी मनोज बंजारे जी गोविंद गेंडर जी चंद्रकांति वर्मा जी उषा वर्मा चुवाराम साहू जी जिला पंचायत सदस्य दिलन मंसूर जी आप सब मन के सामने में हैं। आप सबके मार्गदर्शन से ही आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम के रूपरेखा दे गए हैं और कम से कम जो हमारे विकास खंड के 86 ग्राम पंचायत के जौन वृद्ध मन हैं कोशिश करे गए है कि भाई आप मन ला जौन पेंशन मिलते आप मन ला जौन पेंशन जाते आप मन के समस्या के जो बात होते या पहली जो 150 रही 200 हुई इसकी 200 से 300 हुई इससे पैसा है कौन से ऑफिस से जाते कम से कम ऑफिस ला भी समझाओ पहचानो और कम से कम पता रहे आपो मन ला कि सरकार के कौन तरीका से कौन कौन माध्यम से हो क्यों पैसा आप मन के पास तक पहुंचते कि प्रतीक्षा सूची में इंदिरा आवास के नाम नहीं है इसलिए उनको इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा है पर ऐसे लोगों को आवास की आवश्यकता है तो ऐसा यदि चिन्हांकन करेंगे तो एक ग्राम पंचायत में एक या दो से ऊपर लोग नहीं होंगे तो ऐसे लोगों को भी सूचीबद्ध करते हुए एक प्रयास समाज सेवी संस्था या आपके मार्गदर्शन में आपके सहयोग से भी हो तो ऐसे कम से कम 80 से 100 मकान अपन अपना प्रयास करके ऐसे लोगों के लिए भी बनवा सकते हैं जिनके बाल बच्चे ना हों और जिनको मकान की आवश्यकता है और जो उस मकान बनाने के दायरे है कि कुछ लोगों के बच्चे ऐसे भी होते हैं तो दुनिया है दुनिया गोल है दुनिया में तमाम किस्म के लोग होते हैं। एक माँ बाप के पेट से दो बच्चे जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है एक जैसा कभी नहीं सोचते हैं जबकि एक साथ पैदा होते हैं एक कोख से पैदा होते हैं परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं कई घरों में ऐसा होता है कि उनके माँ बाप को खाने तक को नहीं मिल पाता है तो ऐसे एक दो केसेस रहते हैं हर ग्राम पंचायतों में कि जिनको देखना पड़ता है कि उनको भोजन भी बना के अपने हाथ से खाना पड़ता है। तो एक प्रपोजल आया था कि विकास खंड दरसीमा के अंतर्गत एक वृद्धावस्था वृद्धा आश्रम यदि प्रपोज किया जाए या किया जाए तो बहुत अच्छा होगा तो मेरा इस और भी आपसे निवेदन है कि जरा सा इस पे आप विचार करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक देवजी भाई पटेल उपस्थित हैं जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य को ग्रहण किए हुए हैं। जनपद पंचायत परिवार की ओर से जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लोकेश्वरी वर्मा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। गार्डियन साहब खड़े होकर जोर से अनुमोदन करिए इसका अनुमोदन करता हूँ जोर से तालियां। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत के सदस्य माननीय दिलन मंसूर जी जनपद पंचायत के सदस्य भाई प्रदीप वर्मा भाई देवानंद चतुर्वेदी भाई मनोज बंजारे गोविंद गेंडरे श्रीमती चंद्रकांति श्रीमती उषा वर्मा चुवाराम साहू दिनेश मुंटे जी आप सभी के सभी विशिष्ट अतिथि कहने के साथ साथ यह भी कह सकता हूँ कि आप विशिष्ट अतिथि के साथ साथ इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जो कि आपने इस जनपद पंचायत परिवार को जनपद पंचायत परिवार के नाम को रोशन करने का प्रयास किया है। एक दो बार आप लोगों ने जनपद पंचायत की बैठकों में भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे इस जनपद पंचायत के द्वारा क्या कार्यक्रम होते हैं किस तरीके की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है इसकी पहचान जगह जगह तक पहुंचना चाहिए ऐसी बातें आई थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सोचते हुए हमने प्रयास किया है आप लोगों के मार्गदर्शन से आप लोगों के सहयोग से आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही औपचारिक रूप से बहुत ही संक्षेप में मैं सम्मान समारोह प्रारंभ करना चाहता हूँ।
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के उपस्थित विधायक, जिनको हम कह सकते हैं कि सांच को आंच नहीं, जो सच है वो कहा जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, ऐसे लोकप्रिय विधायक के सम्मान के लिए मैं हमारे इस पंचायत इंस्पेक्टर पंचायत परिवार की ओर से श्री गाड़ियल जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया पुष्पमाला करके माननीय विधायक जी का सम्मान करें। मैं पुनः गाड़ियल जी को बोलूंगा कि आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, भूखे होगा वहां पे। सुमित्रा रुकमणी वर्मा, तरह तरह की सरपंच हैं आप कृपया करके उषा वर्मा जी का पुत्र सुबोध साहू सरपंच सारा गांव, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके हमारे जितने भी जनपद पंचायत परिवार से जुड़े जितने भी सरपंच हैं जो दूर में खड़े हुए हैं, सबसे मेरा अरविंद ठाकुर जी आइए प्लीज। जनपद सदस्य श्री गोविंद गैंडर जी का करेंगे सम्मान। सरपंच रोदा कृपया मनोज बंजारे जी का स्वागत करेंगे। कृपया आकर के शुभाराम साहू जी जनपद सदस्य का सम्मान करेंगे। संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद ठाकुर जी, कपस्ता के सरपंच तर्रा और सरपंच धनेली, सरपंच तर्रा, अरे जोर से ताली बजाओ, अरे कैसे सो गए हो, सरपंच धनेली, सरपंच भरत नारा, कृपया अध्यक्ष महोदय का आप सम्मान करें। जनपद अध्यक्ष महोदय का आप लोग सम्मान करिएगा कुछ लेकर के। पूरा सरपंच, सरपंच पूरा चंद्रकांति जी का सम्मान करेंगी। टेकारी की सरपंच, टेकारी सरपंच कृपया मंच पर आए और मंच पर आकर बैठे भी। कृपाराम सेन जी हैं, कहाँ बैठे जाओ। मोहा गांव के सरपंच का सम्मान करेंगे पुष्पहास से। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जनपद परिवार के जो नीचे के तबके के लोग होते हैं, वृद्ध वगैरह, उसमें बहुत मेहनत करते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। मैं बाबूलाल से अनुरोध करूंगा आकर के कृपया मुख्य अतिथि श्री देवजी भाई पटेल का सम्मान करेंगे। भाई कश्यप जी सरपंच बरबंदा, मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करेंगे। ये आवाज यदि सुन रहे हैं और दूर में खड़े हैं तो अनिवार्य रूप से मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मंच पर आने का कष्ट करेंगे, अपने स्थान बैठने का कष्ट करेंगे। सर बस आज के इस कार्यक्रम के बारे में दो चार बातें कहनी थी कि हमने प्रयास किया कि हमारे बीच में जो वृद्ध होते हैं, जो समाज की मुख्य धारा में किसी जमाने में रहते हैं, धीरे 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 जो वृद्धावस्था का जब आलम उनके सिर पे आता है तो समाज से कहीं ना कहीं पृथक से महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को हम इस बीच में हमारे बीच में पाएं, क्योंकि आज नहीं कल हर व्यक्ति को उस ओर जाना है। क्योंकि व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है,
यह व्यक्ति वृद्धावस्था को क्यों जाता है? गौतम बुद्ध जी भी खोजने के लिए निकले थे, खोज नहीं पाए, और ये जीवन का सत्य है। तो ऐसे लोगों को हमने अपने बीच में पाने का कोशिश किया है आज के कार्यक्रम में। आने वाले समय में जितने भी वक्ता होंगे, सबसे इस कार्यक्रम के बारे में भी मैं अपनी उनकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूंगा, क्योंकि यह एक परिवार है, जनपद परिवार है, इसमें किस तरीके का और प्रयास करना चाहिए, कैसे प्रयास होने चाहिए, इसके बारे में भी आने वाले वक्ताओं को मैं कहना चाहूंगा कि वे अपना अभिमत जरूर देंगे। इसके अलावा नई बेटी जो योजना है जो शासन द्वारा चालू की गई थी, ऐसे सेन समाज के लोगों का भी आज नई बेटी के वितरण का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। साथ ही यह जरूर बताना चाहूंगा कि जनपद पंचायत परिवार का यह बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि ऐसे कार्यक्रम को हम आयोजित करें, और आप लोगों के आउटपुट, आप लोगों के कहने के आधार पर, आप लोगों के प्रेरणा के आधार पर ही आगे और भी कार्यक्रम इस तरीके की बनाने की कोशिश करेंगे। आज का एक छोटा सवाल किया, सुबह 10 बजे का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों के सम्मान के लिए फूल ले रहा था फूल चौक में, ये मुझे फूल दो 30-35 गुलदस्ते दो, 30-35 मुझे माला दो, बोले सर कौन सा कार्यक्रम है, तो उन्होंने, मैंने कहा भाई आज वृद्धों का हम सम्मान करने जा रहे हैं, समाज के ऐसे लोग जो वास्तव में 60-65 उम्र को पार कर चुके हैं, और क्या क्या करते हैं, तो हमने कहा कि और भी जो मन में आएगा जरूर करेंगे और विचार करेंगे कि और भी जो समाज में अन्य वर्ग के लोग होते हैं, जैसे विधवा और परित्यक्ता होती हैं, ऐसे लोगों को भी सोचेंगे कभी हम उनसे मिलें, ऐसे लोगों से भी सोचेंगे जो अपंग हैं, विकलांग हैं, तो वो फूल वाला व्यक्ति जो कि उस फूल चौक का, फूल का जो दुकान लगाता है उसका वो अध्यक्ष है, वो बोला सर जिस दिन आप अपाहिज लोगों का सम्मेलन धरसीवा में करेंगे तो उसका आधा खर्चा मैं दूंगा।